नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आगे देखते हैं आज की खास खबर। बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस, उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल था बेहाल। बारिश की हल्की फुहार से आम जनजीवन हुआ खुशहाल। बारिश की फुहार से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से भी निजात मिली है। बीते महीने भर से कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, गर्मी से आम लोग बेहाल थे। दिहाड़ी मजदूरों को चिलचिलाती धूप में काम करने में जहां परेशानी होती थी, वहीं रिक्शे वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर बैठकर बिक्री करने वाले लोगों को भी कम परेशानी नहीं थी। लेकिन शुक्रवार की बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं बारिश ने खोली नगरपालिका की पोल, शहर की नालियां उफनाई, सड़क पर बहा नालियों का पानी। शुक्रवार को दोपहर बाद अचानक आई आंधी और हल्की बारिश ने शहर की तस्वीर बिगाड़ दी। खलासी मोहल्ला मुख्य मार्ग पर साफ सफाई की पोल बारिश ने खोल दी। अधिकांश मोहल्ले में जल निकासी की समस्या से लोग परेशान दिखे। रामेश रोड स्थित राम मंदिर के पास तो नाली का पानी सड़क पर बहने लगा। शांत वातावरण में राहगीर व श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हुई। हाजी गली मोहल्ला और बनारसी गली में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रही। पुल पर के पास तो करीब एक घंटा तक जाम लगा रहा। नाली का पानी पुल के नीचे जमा हो गया। प्लास्टिक से नाला जाम होने के कारण पूरे शहर में ऐसी स्थिति बनी। नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने रेलवे पुल के पास जाम नाला को साफ किया। मधुपुर का अमृत फल कहा जाने वाला बेल शहरवासियों को नहीं है नसीब। हजारों बोरा बेल सस्ते कीमतों पर किया जाता है निर्यात मधुपुर समेत अन्य बड़े शहरों में। मधुपुर का अमृत फल कहा जाने वाला बेल का महत्व गर्मी के मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर भी बेल की शरबत पीने का सलाह देते हैं। मधुपुर के लोगों के लिए बेल उतना ही फायदेमंद और ज़रूरी है जितना कि बाहर के लोगों के लिए। लेकिन मधुपुर के लोगों की खुद किस्मती कहिए या बदकिस्मती कि मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में काफ़ी संख्या में बेल के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बेल का फल नसीब नहीं है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ से प्रतिवर्ष गर्मी की शुरुआत महीने मार्च अप्रैल में ही व्यापारी पेड़ों को खरीद लेते हैं और बेल तोड़कर कलकत्ता सहित कई बड़े शहरों में निर्यात कर देते हैं। चांदमारी मोहल्ला निवासी मोहम्मद असलम का कहना है कि वे मधुपुर, पालोजोरी, सारठ, करो, चित्रा समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगभग 20,000 पेड़ों को खरीदते हैं। 2,000 रुपये प्रति पेड़ की खरीदारी होती है, जिसमें से 8-10 बोरा बेल टूटता है जो कलकत्ता में प्रति 1,000 बोरे की भाव से बिकता है। व्यापारियों का कहना है कि एक पेड़ से उन्हें लगभग सभी खर्चों को बांधकर 1,000 रुपया बचता है। कलकत्ता जैसे शहरों में एक बेल की कीमत 25 से 30 रुपये है, जबकि मधुपुर जैसे छोटे शहर में मोल भाव के बाद 5 रुपये प्रति बेल बिकता है, जिस कारण वे लोग बेलों का निर्यात करते हैं। ऐसे में एक और जहां अमृत फल कहा जाने वाला बेल कई लोगों को रोजगार से जोड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर मधुपुर वासियों अपने ही शहर के अमृत फल खाने के लिए तरस जाते हैं। अच्छा, ये जो है बेल तुम लोग अभी तोड़ रहे हो, तो ये क्या कैसे यहाँ खरीदते हो, गाछ खरीदते हो, फिर बेच ले लिए, कितना में लेते हो? अच्छा, तो वहाँ जाकर के फिर कैसे बेचते हो? एक वहाँ पर बोरा बंदी देते हैं आड़त में। कैसे बोरा, कैसे बोरा? जैसा मैंने रेट मैंने बाजार खुला आड़त में दे दिए, अभी 1,000 बिक गया, 800 बिक गया। 1,000 रुपया बोरा? 1,000 बोरा। तो कम से कम एक गाछ से कितना बोरा हो जाता है? एक गाछ में 6 बोरा 7 बोरा, कुछ ना कुछ दो बोरा। यानी एक गाछ में तुम लोग कमाई 5 से 10 हज़ार रुपया है? नहीं नहीं, मैंने लेबर पर बात करके 500 रुपये मात्र। लेबर इतना ऊपर हम लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, उसका मजदूरी भी। ऐसे तो लेबर का हाजिर तो कुल्ली में जाकर काम करते हैं 250 हम लोग देते हैं, 400 रुपया खिलाते हैं, 100 रुपया 500 रुपया नहीं लो। एक दिन में एक गाछ का बेल सारा तोड़ लेते हैं? एक दिन में 5 गाछ तोड़ रहे हैं। एक दिन में पाँच गाछ। मधुपुर से लगभग कितना तुम लोग? मोटी नहीं है तो 20,000 गाछ लेते हैं। मैंने बालो जो रिस लेके आप 40 किलोमीटर दूर तक में जितना गाछ आता है सब गाछ लेते हैं। 20,000 गाछ? 20,000 इनमें से सब व्यापारी मिला हुआ है? व्यापारी एक हम ही नहीं है, और व्यापारी है मेरा। अच्छा। सब आता है एक ही जगह। हम सारा बेल यहाँ से कलकत्ता है? यहाँ बेल कलकत्ता चला जाता है, और कहीं नहीं जाता है? सब कलकत्ता। यहाँ मधुपुर के मार्केट में बेचते हैं? यहाँ पड़ी मार्केट में दाम नहीं देता अभी। अच्छा, यहाँ पड़ी बेल बिके तो मांगे 5 रुपया 3 रुपया मांगे, उसमें मोलाई बहुत है। अच्छा, और वहाँ एक दिन में एक गाड़ी बिक रहा है। वहाँ कैसे एक बेल कैसे बिकता है? वहाँ पड़ी मात्र 20 रुपया 25 रुपया दाम है। जैसे वहाँ सत्तू का शरबत है तो वहाँ बेल का ही शरबत बनता है। ठीक।
पिछले दिनों शहर में हुए धार्मिक उन्माद के बाद क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस गश्ती हुई तेज, 20 को पुलिस ने लिया हिरासत में, पीआर पॉइंट पे छोड़ा। धार्मिक स्थल की दीवार में रंग फेंकने की घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दिया है, पुलिस गश्ती तेज कर दी गई है। गुरुवार की देर रात विभिन्न स्थानों से 20 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें अधिकांश युवक बाइक से ट्रिपल लोड चल रहे थे। भिड़वक, खलासी मोहल्ला, चांदमारी, पथलचपटी समेत अन्य स्थानों से युवकों को पकड़ा गया। शुक्रवार को पकड़े गए युवकों के अभिभावकों को बुलाकर पीआर बॉन्ड व जुर्माना लेकर मुक्त किया गया। भविष्य में ट्रिपल लोड व अकारण देर रात विचरण नहीं करने की हिदायत दी गई। SDPO अशोक कुमार सिंह ने बताया, शर्मनाक घटना के बाद धार्मिक स्थलों की निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। स्थानीय मोहल्ला कमेटी को भी सजग रहने को कहा गया। किसी भी संदिग्ध या असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का अनुरोध नागरिकों से किया। मधुपुर के सौहार्द को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मामले में संलिप्त तत्वों का उद्भेदन कर कड़ी सजा दी जाएगी। रामनवमी को लेकर स्टेशन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में गुरुवार देर रात तक भजन कीर्तन का हुआ आयोजन। स्टेशन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में बीते गुरुवार की रात भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक शैलेंद्र गौतम की भजनों का भक्तों ने खूब लुत्फ उठाया। देर रात तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम के आयोजन में RPF इंस्पेक्टर पी पंचम, SI JP यादव, पी जानी समेत मंदिर समिति के कई अधिकारी व जवानों की सराहनीय भूमिका रही। बड़ा शेखपुरा मोहल्ले में पुलकित प्ले स्कूल का हुआ शुभारंभ, नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव ने किया उद्घाटन। बड़ा शेखपुरा मोहल्ला में शुक्रवार को पुलकित प्ले एकेडमी स्कूल का शुभ उद्घाटन नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव ने किया। विद्यालय के संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि बड़ा शेखपुरा मोहल्ला तो शहरी क्षेत्र में आता है, किंतु यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसका कारण शहर के प्ले स्कूल काफ़ी दूरी पर है, जिस कारण यहाँ के छोटे बच्चे प्ले के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में प्ले स्कूल को खोलना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ वर्ग नर्सरी से पंचम तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से CBSE पैटर्न के आधार पर काफ़ी कम शुल्क में कराई जाएगी। मौके पर विद्यालय संचालक समिति के मोहम्मद परवेज आलम, शंभू खान, संदीप कुमार, निरंजन पांडे समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक व बच्चे मौजूद थे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं इस मोहल्ले वासियों से जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि अब आपके घर के सामने बगल में एक अच्छा स्कूल खुला है। अब बच्चों का संस्कार देना माँ और बाबू जी का उनका ये धर्म अधिकार है कि हम बच्चों को कैसे अच्छे शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। और मुझे उम्मीद है कि शेखपुरा के लोगों का जो इतनी बड़ी बस्ती है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे रहते हैं, तो मैं यहाँ का भी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।